अभिवादन करते हैं। साथ में सहृदय स्वागत है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी का, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का, माननीय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री ब्रजेश पाठक का एवं मंचस्थ विराजमान हर एक महानुभाव का हम सादर नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर काशी की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री श्री पधारे हैं, तब उनका स्वागत करने के लिए हम अति उत्सुक हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का अंग वस्त्र एवं कामधेनु की मूरत से स्वागत करें। बहुत बहुत तालियों से इस क्षण को हम अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। हम नम्र निवेदन करेंगे बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी को कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का पगड़ी शॉल तत्पश्चात कामधेनु मूर्ति से स्वागत करें। अब आज के इस विशेष समारोह का विधिवत प्रारंभ करने एवं स्वागत संबोधन हेतु हम बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी को नम्र निवेदन करते हैं। हम सभी किसान पशुपालक के लिए यह सौभाग्य का दिन है कि हम किसानों की पशुपालकों की एक संस्था और यह संस्था के लोकार्पण कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम में विश्व नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पधारे। इनसे बड़ा हमारा सौभाग्य किसानों का और क्या हो सकता है। मैं तहे दिल से आप सभी किसानों की ओर से मैं बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि आप सब भी दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए। साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के पूरी उत्तर प्रदेश की शक्ल जिन्होंने बदल दी है और खास करके लॉ एंड ऑर्डर हो और डेवलपमेंट की राजनीति आदरणीय मोदी जी के स्वप्न को साकार करने के रात दिन प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ में सभी हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, मेयर श्री, प्रमुख श्री, सभी का, अध्यक्ष श्री, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। एक नई क्रांति मोदी जी ने इस पूरे पूर्वांचल में ये डेयरी के माध्यम से लाई है। कुछ साल पहले मोदी जी ने बताया था कि अगर गुजरात में दूध क्रांति अमूल कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में किसानों को इनका फायदा क्यों ना मिले, मिलना ही चाहिए। तो मोदी जी की ये बात बनास परिवार के लिए एक मंत्र था। और बात साथ साथ में ये भी हम मैं आपको आप सबको बताऊं कि मोदी जी ने जिस तरह सहकारिता को बल दिया, जिस तरह सहकारी प्रवृत्ति को एक्टिव किया और एक पालक के रूप में गुजरात में जिस ढंग से काम किया,
मैं ये बात बताना चाहूंगा कि हमारी अमूल की रचना 50 साल पहले हुई थी, लेकिन 30 साल चलते, जब मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बने उनसे पहले के 30 साल उनकी टोटल हमारी अमूल की इनकम 2881 करोड़ रुपया की थी, 2881 करोड़ 30 साल में। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 20 साल में आज 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंची है। उनका श्रेय में विजनरी हमारे लीडर आदरणीय मोदी जी को इसलिए मैं दे रहा हूं, हर बार कदम कदम पर आप ये करेंगे तो ऐसा होगा। स्वतंत्रता भी दी, दिशा भी दी, मदद की और ये इतना बड़ा बदलाव हो पाया। मैं आज के दिन ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में बनास की ओर से बनास डेयरी ने इस साल 2000 करोड़ रुपए दूध के उत्तर प्रदेश में पशुपालक किसानों को दिए हैं। तो जैसे क्रांति 20 साल पहले गुजरात में थी, ठीक वैसा ही 2000 करोड़ तक आज यहां पर पहुंचे हैं। मोदी जी ने जो सपना देखा है कि पूरा पूर्वांचल में दूध की क्रांति होना चाहिए और एक 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 पशुपालक आत्मनिर्भर बने, माताएं बहने आत्मनिर्भर बने। मैं सर ये बात बताऊंगा आपको कि यहां पर कई लोग दिल्ली से, मुंबई से रिवर्स माइग्रेट होकर पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं और ये काशी क्षेत्र में भी 10-10 लाख रुपया कमा रहे। कई लोग ऐसे के 20 से 22 लाख रुपया भी सालाना कमाया है। मान लो कि 1.5 से 2 लाख रुपया की इनकम उनकी हुई है, वहां पर 50,000 की नौकरी करते थे, यहां पर 2 लाख रुपया स्थानीय अपने गांव में बैठे अपने घर का काम के साथ साथ पशुपालन में उन्होंने लिया है। आपका जो जो विजन है, आपने जो जो आइडिया हमें दिए, बिना रॉयल्टी लिए दिए, गोवर्धन की बात की, हमने गोवर्धन का काम स्टार्ट किया, सफलता मिली। मधुमक्खी पालन की बात आपने बताई कि मधुमक्खी पालन करना चाहिए, वो भी किया। जो क्रांति गुजरात में की है वैसा ही काम आपके मार्गदर्शन और सहयोग में हम यहां पर करेंगे। मैं ये कहता हूं कि अभी 3 लाख लीटर की कैपेसिटी पूर्वांचल की अभी अभी प्रोक्यूरमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 साल में 15 लाख लीटर तक हम पहुंचेंगे और 2000 करोड़ रुपए पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। मैं मानता हूं कि सिर्फ 2-2.5 साल में पूर्वांचल में 2000 करोड़ रुपए की इनकम पशुपालकों की होगी। ये बात मैं यहां पर बोलता हूं और मुझे ये भी पता है कि आदरणीय मोदी जी की हाजिरी में हम कोई बात करते हैं तो मोदी जी की गारंटी बन जाती है और मोदी जी की गारंटी होती है वो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी होती है। इसलिए मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये बात विनम्रता पूर्वक आदरणीय मोदी जी से मैं कहूंगा कि आपने जो मार्गदर्शन दिया है 3.5 लाख से ज्यादा किसान आत्मनिर्भर हो गए और इनके लिए हम दिन रात पुरुषार्थ करेंगे। आप यहां पर पधारे, इसलिए हम किसानों की संस्था में आप पधारे, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आप सभी का आवकारता भी हूं। एक साथ सब बोलेंगे भारत माता की। चेयरमैन श्री, आपके ऊष्मापूर्ण स्वागत संबोधन के लिए आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और काशी बना संकुल को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब अत्यंत विनम्रता पूर्वक और आदर के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके संबोधन के लिए आइए उत्साह से आमंत्रित करते हैं। काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज काशी में फिर से काशी वासियों को उपहार देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं।
इस अवसर पर आप सभी काशीवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन 5 सदी के बाद अयोध्या में रामलला के इंतजार को समाप्त करते हुए प्रभु श्री रामलला के भव्य और दिव्य मूर्ति को भव्य मंदिर में विराजमान कराने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ है। पीढ़ियां बीत गई, युगों समाप्त हो गए, लेकिन इंतजार का क्रम तब टूटा जब मोदी जी की दूरदर्शिता, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व पूरा भारत प्राप्त कर रहा है और उन स्थितियों में प्रभु श्री रामलला का इंतजार सभी भक्तों और श्रद्धालुओं का समाप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन ऐसे समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम के बाद अयोध्या धाम में श्री रामलला का विराजमान होना हर सनातन धर्मावलंबी को, हर भारतवासी को अभिभूत करता है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण जयवीर सिंह जी, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, गिरीश चंद यादव जी, मान्य सांसद, मान्य विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज एक साथ प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्ष के अंदर काशीवासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं को देकर के काशी को एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत किए हैं। काशी को आज एक बार फिर से हजारों करोड़ रुपए की इन योजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। अभी सामने आपकी बनास डेयरी है, 650 करोड़ रुपए की लागत से यह डेयरी बनी है और ऐसा लगता है जैसे हमारे किसानों और पशुपालकों का तो ये आधुनिक तीर्थ जैसा है। आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ भारत की श्रद्धा को भी सम्मानित करने और उसके संरक्षण का एक नया केंद्र यह डेयरी हम सब के लिए यहां पर बनी हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बनास डेयरी के चेयरमैन माननीय श्री शंकर भाई चौधरी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में रुचि ली, उत्तर प्रदेश की इस उर्वरा भूमि को गौ माता का आशीर्वाद देकर के न केवल हमारे पशुपालकों की समृद्धि के लिए उन्होंने इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य प्रारंभ किया, बल्कि इसी महाने गौ माता की रक्षा भी हो जाएगी और उसका पुण्य और उसका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी में ढेर सारी परियोजनाएं दी जा रही हैं, इसमें शिक्षा की भी है, स्वास्थ्य के लिए एक नया मेडिकल कॉलेज काशी को आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शिलान्यास भी होने जा रहा है। काशी में बीएचयू के बाद एक नया मेडिकल कॉलेज, यह भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यहां पर जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लगभग
12 से 14 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की सौगात कुल मिलाकर के 10 वर्ष में काशी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 45 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं न भूतो न भविष्यति का यह संकल्प कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखाया। आज इन सभी परियोजनाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई दृष्टि दी है, एक नई पहचान दी है, एक नया भारत का दर्शन हम सब भारतवासी कर रहे हैं। ये नया भारत जो वैश्विक मंच पर अपने नागरिकों को सम्मान भी देता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है, उनकी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है और उनकी आस्था और आजीविका को भी पूरा ध्यान रखता है। ऐसे युग पुरुष के रूप में भारत को एक नई दिशा देने वाले, भारत को एक नया नेतृत्व देने वाले नए भारत के नए शिल्पी और विकसित भारत के संकल्प के साथ हम सब भारतवासियों को इस संकल्प के साथ, इस नए भारत के साथ जोड़ने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज उन्हीं की काशी में आप सभी काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको भी बनास डेयरी के साथ साथ इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपके उत्साहपूर्ण संबोधन के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज से पूर्वांचल में श्वेत गंगा बहने वाली है और हर घर में सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी होने जा रही है। 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री के कर कमलों द्वारा यहाँ इसी डेयरी का शिलान्यास हुआ था और आज वे इस अद्यतन डेयरी को आपको सुपुर्द कर रहे जा रहे हैं, भेंट देने जा रहे हैं। साथ ही पूर्वांचल की विकास यात्रा में वृद्धि करने वाली अनेक परियोजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो आइए तालियों की बौछार के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री को रिमोट द्वारा बनास काशी संकुल एवं सभी परियोजनाओं का विधिवत उद्घाटन करने का निमंत्रण देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के विजन को साकार करने हेतु गौ धन के गौरव को बढ़ाने के इसी संकल्प के साथ पशुपालकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के उत्थान के लक्ष्य के साथ पूर्वांचल बन रहा है नई श्वेत क्रांति का उद्भव स्थान, जिसकी साक्षी बनेगी पावन नगरी काशी की धरती और बनास से बनारस तक की श्वेत क्रांति का आधार बनेगी गौ माता, क्योंकि दूध की श्वेत क्रांति से पूर्वांचल का विकास की पहल है। बनास काशी संकुल, पूर्वांचल के विकास का संकुल।
वैसे तो लखनऊ और कानपुर में बनास डेयरी द्वारा दो डेयरी प्लांट कार्यान्वित हो चुके हैं, लेकिन काशी में स्थित ये नव निर्मित संकुल कुछ खास है, जहां 10 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता के साथ विविध प्रकार के दूध को विभिन्न साइज में पैक किया जाएगा। स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचाने के लिए फर्मेंटेड अनुभाग में 50,000 किलो दही, 75,000 लीटर बटर मिल्क एवं 15,000 लीटर लस्सी की होगी पैकिंग। और हाँ, यहाँ मुंह में पानी लाने वाली मिठाइयों का 10 टन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। यह भारत की उन्नत प्रयोगशालाओं में से एक प्रयोगशाला भी है। वैसे 10 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रोसेसिंग एवं 1,80,000 के फर्मेंटेड मिल्क प्लांट स्वचालित है, और यहाँ पनीर और आइसक्रीम जैसे डेयरी उत्पादों का भी प्रोसेसिंग होगा। कुल मिलाकर ये प्लांट डेयरी सेक्टर और इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली एक बड़ी पहल बनेगा, जिससे किसानों को मिलेगी समृद्धि की गारंटी, महिलाओं को मिलेगी आर्थिक उत्थान की गारंटी, युवाओं को मिलेगी आत्मनिर्भरता की गारंटी और पशुपालकों को मिलेगी खुशहाली की गारंटी। क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी, जिसकी नींव बनेगा बनास काशी संकुल, पूर्वांचल के विकास का संकुल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना और मार्गदर्शन से काशी में विकास की जो अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें आज लगभग 11,000 करोड़ से अधिक की 23 परियोजनाओं के लोकार्पण और लगभग 2200 करोड़ की 12 परियोजनाओं के शिलान्यास की कड़ियां जुड़ने जा रही हैं, जिनका लक्ष्य एक ही है, वाराणसी का सर्वांगीण विकास। सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास की जन्मस्थली में लगभग 35 करोड़ की लागत से प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण, लंगर हॉल एवं पार्क की बाउंड्री का निर्माण तथा संत शिरोमणि रविदास जी की 25 फीट ऊंची एक भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है, जिससे काशी की सामाजिक समरसता और समृद्ध होगी। लगभग 2150 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के 6 लेन चौड़ीकरण का कार्य और कुल लगभग 7400 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 233, राष्ट्रीय राजमार्ग 56 और राष्ट्रीय राजमार्ग 35 के 4 लेन चौड़ीकरण के कार्य के साथ साथ लगभग 35 करोड़ की लागत से बाबतपुर रेलवे स्टेशन के समीप रेल ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध गंगा घाटों पर 4 कम्युनिटी जेटी और स्नानार्थियों की सुविधा हेतु चेंजिंग रूम के साथ बने 7 फ्लोटिंग जेटी भी लोकार्पित किए जा रहे हैं। खेलकूद के क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ की लागत से सिग्रा स्टेडियम में विभिन्न आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य और कैंट वाराणसी में 5 करोड़ की लागत से शूटिंग रेंज का निर्माण किया गया है। पंचक्रोशी यात्रा के 5 पड़ावों के मार्ग में अनेक धर्मशालाओं, तालाबों, घाटों एवं देवालयों का जीर्णोद्धार 40 करोड़ की लागत से कराया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के आधुनिक LPG बॉटलिंग संयंत्र और जगतपुर वाराणसी में बुनकरों हेतु सिल्क कपड़ा प्रिंटिंग के लिए सामान्य सुविधा केंद्र भी काशी की सर्वांगीण विकास यात्रा में शामिल है। पिछले 39 वर्षों से देश में 18 परिसरों के माध्यम से फैशन टेक्नोलॉजी के पर्याय प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के 19वें परिसर का शिलान्यास वाराणसी के बड़ा लालपुर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। NIFT काशी में 3 डिजाइन कार्यक्रमों के साथ यहाँ के परंपरागत शिल्प कौशल को तो संजीवनी देगा ही, साथ में आधुनिक टेक्नोलॉजी और शिक्षा के माध्यम से परंपरा के धागे कल के नवाचार के साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही वाराणसी के पांडेपुर में मेडिकल कॉलेज और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग के शिलान्यास तथा 1300 करोड़ की लागत से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन एक्सप्रेसवे के कार्य का शुभारंभ सम्मिलित है। ये पौराणिक विरासत से सर्वांगीण विकास के संकल्प की काशी है। समस्त काशीवासी इस विकास यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस क्षेत्र के विकास हेतु हजारों करोड़ की भेंट देने के लिए एक बार फिर से हम सब आपका अभिवादन करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। GI भौगोलिक संकेतक एक ऐसा नाम है जिसका उपयोग उन विशिष्ट उत्पादों के लिए किया जाता है जो किसी भौगोलिक स्थान से संबंधित है।
एवं समृद्ध विरासत के साथ जुड़ा है। जनपद वाराणसी के ऐसे ही 5 GI उत्पादों से जुड़े कारीगरों को अधिकृत उपयोगकर्ता का प्रमाण पत्र आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से दिए जाएंगे। सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे श्री जमालुद्दीन अंसारी। श्री श्रीकांत मिश्रा। श्रीमती सत्या सिंह। श्रीमती अमृता सिंह। श्री सिद्धार्थ मौर्य। आइए तालियों के साथ इन सभी को हम अनेक शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता एवं अथक प्रयासों से देश और नागरिकों के विकास के लिए सदैव कार्यरत रहे हैं, उनके सशक्त नेतृत्व से देश नई ऊर्जा एवं शक्ति से अभिभूत हो रहा है। वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए तालियों की गूंज के साथ उनके विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। हर हर मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी महेंद्रनाथ पांडे जी, उपमुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर भाई चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, राज्य के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और काशी के मेरे परिवार से आए भाई और बहनों, काशी के धरती पर आज एक बार फिर आप लोगों के बीच आवे का मौका मिलल है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। दस साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनेला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारस ही बना देले। भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दृश्य हमें गदगद कर देता है।
आप लोगों के परिश्रम से आज काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। आज भी यहां 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। इसमें रेल, रोड, एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें पशुपालन, उद्योग, स्पोर्ट्स, कौशल विकास, इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, आध्यात्म, पर्यटन, एलपीजी गैस, अनेक क्षेत्रों से जुड़े अनेक विध काम है। इससे बनारस समेत पूरे पूर्वांचल के लिए नौकरी के बहुत सारे नए अवसर बनेंगे। आज संत रविदास जी की जन्मस्थली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का भी यहां से लोकार्पण हुआ है। मैं इन सारी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काशी और पूर्वांचल में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे आनंद होना बहुत स्वाभाविक है। आज बड़ी संख्या में मेरे नौजवान साथी भी आए हैं। कल रात को मैं सड़क के रास्ते बाबतपुर से बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस आया हूं। कुछ महीने पहले जब मैं बनारस आया था तो फुलवरिया फ्लाईओवर का लोकार्पण करके गया था। बनारस में ये फ्लाईओवर कितना बड़ा वरदान बना है ये साफ दिखाई देता है। पहले अगर किसी को बीएलडब्ल्यू से बाबतपुर जाना होता था तो लगभग 2-3 घंटा पहले घर से निकल जाते थे। पहले मंडुवाड़ी पर जाम, फिर महमूरगंज पर जाम, कैंट पर जाम, चौका घाट पर जाम, नदेसर पर जाम लगता था। उससे ज्यादा फ्लाइट पकड़ने में लग जाता था। लेकिन एक फ्लाईओवर ने ये समय आधा कर दिया है। और कल रात को मैं खास वहां जाकर के हर चीज को देख के आया हूं, उसकी व्यवस्था को समझ करके आया हूं। पैदल चल करके जाकर के रात देर गया था। ऐसे ही बीते 10 साल में बनारस के विकास की स्पीड भी कई गुना बढ़ी है। अभी थोड़ी देर पहले यहां सीगरा स्टेडियम के पहले चरण के काम का लोकार्पण भी किया गया है। बनारस के युवा खिलाड़ियों के लिए आधुनिक शूटिंग रेंज का भी लोकार्पण किया गया है। इनसे बनारस और इस क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, यहां आने से पहले मैं बनास डेयरी के प्लांट में गया था। वहां मेरी अनेक पशुपालक बहनों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला। किसान परिवारों की इन बहनों को 2-3 साल पहले हमने स्वदेशी नस्ल की गीर गाय दी थी। मकसद ये था कि पूर्वांचल में बेहतर नस्ली
स्वदेशी गायों को लेकर जानकारी और बढ़े, किसान को, पशुपालकों को इससे फायदा हो। मुझे बताया गया है कि आज यहां गीर गायों की संख्या लगभग 350 के करीब तक पहुंच चुकी है। संवाद के दौरान हमारी बहनों ने मुझे ये भी बताया कि पहले जहां सामान्य गाय से 5 लीटर दूध मिलता था, अब गीर गाय 15 लीटर तक दूध देती है। मुझे ये भी बताया गया, एक परिवार में तो ऐसा संभाला है कि एक गाय तो 20 लीटर तक दूध देने लग गई है। इससे इन बहनों को हर महीने हजारों रुपयों की अतिरिक्त कमाई हो रही है। इसके कारण हमारी ये बहनें, वे भी लखपति दीदी भी बन रही है। और ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 10 करोड़ बहनों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है और इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। सही निवेश से रोजगार के अवसर कैसे पैदा होते हैं, बनास डेयरी इसका उत्तम उदाहरण है। अभी बनास डेयरी वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, रायबरेली इन जिलों के पशुपालकों से लगभग 2 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रही है। इस प्लांट के चालू होने से अब बलिया, चंदौली, प्रयागराज, जौनपुर और दूसरे जिलों के लाखों पशुपालकों को भी लाभ होगा। इस परियोजना से वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ जिलों के 1000 से ज्यादा गांवों में दुग्ध मंडियां बनेगी। पशुपालकों का ज्यादा दूध ज्यादा कीमत पर बिकेगा तो हर किसान पशुपालक परिवार को ज्यादा कमाई होना तय है। ये प्लांट किसानों, पशुपालकों को बेहतर पशुओं की नस्ल और बेहतर चारे को लेकर भी जागरूक करेगा, प्रशिक्षित करेगा। साथियों, इतना ही नहीं, ये बनास काशी संकुल रोजगार के भी हजारों नए अवसर बनाएगा, अलग अलग कामों में रोजगार बनाएगा। एक अनुमान है कि इस संकुल से पूरे इलाके में 3 लाख से ज्यादा किसानों की आय बढ़ेगी। यहां दूध के अलावा छाछ, दही, लस्सी, आइसक्रीम, पनीर और अनेक प्रकार की स्थानीय मिठाइयां बनेगी। इतना कुछ बनेगा तो इन्हें बेचने वालों को भी तो रोजगार मिलने वाला है। यह प्लांट बनारस की प्रसिद्ध मिठाइयों को
देश के कोने कोने तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। दूध के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कारोबार में भी अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे पशु आहार से जुड़े दुकानदार, स्थानीय वितरकों का भी दायरा बढ़ेगा, इसमें भी अनेक रोजगार बनेंगे। साथियों, इन प्रयासों के बीच मेरा बनास डेयरी के कामकाज से जुड़े वरिष्ठ साथियों से भी एक आग्रह है। मैं चाहूंगा कि आप दूध का पैसा सीधे बहनों के अकाउंट में डिजिटल तरीके से भेजिए, किसी पुरुष के हाथ में पैसे मत देना। मेरा अनुभव है इसके बहुत ही शानदार परिणाम आते हैं। पशुपालन तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक हमारी बहनें जुड़ी हैं। ये बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा माध्यम है। पशुपालन छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों का भी बहुत बड़ा सहारा है। इसलिए डबल इंजन सरकार पशुपालन और डेयरी सेक्टर को इतना बढ़ावा दे रही है। साथियों, हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही अब अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने पर भी काम कर रही है। उर्वरक दाता बने, हम पशुपालकों को दूध के अलावा गोबर से भी कमाई के अवसर दे रहे हैं। हमारे जो ये डेयरी प्लांट है, इनमें गोबर से बायो सीएनजी बने और इस प्रक्रिया में जो जैविक खाद है वो कम दाम पर किसानों को मिले, इस पर काम हो रहा है। इससे प्राकृतिक खेती को और बल मिलेगा। गंगा जी के किनारे प्राकृतिक खेती करने का चलन वैसे भी अब बढ़ रहा है। आज गोवर्धन योजना के तहत गोबर हो, दूसरा कचरा हो, उससे बायोगैस, बायो सीएनजी बनाई जा रही है। इससे साफ सफाई भी रहती है और कचरे का पैसा भी मिलता है। साथियों, ये हमारे काशी तो कचरे से कंचन बनाने के मामले भी है, एक मॉडल के रूप में देश के सामने आ रही है। आज ऐसे एक और प्लांट का लोकार्पण यहां हुआ है। ये प्लांट प्रतिदिन शहर से निकलने वाले 600 टन कचरे को 200 टन चारकोल में बदलेगा। सोचिए, यही कचरा अगर कहीं किसी मैदान में फेंकते रहते तो कूड़े का कितना बड़ा पहाड़ बन जाता। काशी में सीवेज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अनेक काम हुए हैं। साथियों, किसान और पशुपालक हमेशा से भाजपा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे। दो दिन पहले ही सरकार ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए पशुधन बीमा कार्यक्रम को भी और आसान किया गया है। आप पूर्वांचल का उस समय याद करा, गन्ना के भुगतान के लिए पहले वाला सरकार कितना मिन्नत करवात रहे, लेकिन अभी ये भाजपा की सरकार है, किसानों के बकाये का भुगतान तो हो ही रहा है, फसलों के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, विकसित भारत का निर्माण आत्मनिर्भर भारत के बल पर होगा। अपनी जरूरत का हर सामान बाहर से आयात करने से विकसित भारत नहीं बन सकता। पहले की सरकार और हमारी सरकार की सोच में यही बड़ा अंतर है।
आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब देश की हर छोटी छोटी शक्ति को जगाया जाए, जब छोटे किसानों, पशुपालकों, कारीगरों, शिल्पकारों, लघु उद्यमियों को मदद दी जाए। इसलिए मैं लोकल के लिए वोकल रहता ही हूं और मैं जब वोकल फॉर लोकल कहता हूं तो ये उन बुनकरों, उन छोटे उद्यमियों का प्रचार है जो लाखों रुपए खर्च करके अखबारों और टीवी पर विज्ञापन नहीं दे सकते। स्थानीय उत्पाद बनाने वाले ऐसे हर साथी का प्रचार मोदी खुद करता है। देश के हर छोटे किसान, हर छोटे उद्यमी का एम्बेसडर आज मोदी है। जब मैं खादी खरीदो, खादी पहनो का आग्रह करता हूं तो गांव गांव में खादी से जुड़ी बहनें, दलित, पिछड़े, उनके श्रम को बाजार से जोड़ता हूं। जब मैं देश में बने खिलौने खरीदने की बात करता हूं तो इससे पीढ़ियों से खिलौने बनाने वाले परिवारों का जीवन सुधरता है। जब मैं मेक इन इंडिया कहता हूं तो मैं इन छोटे और कुटीर उद्योगों पर, हमारे एमएसएमई के सामर्थ्य को नई बुलंदी देने का प्रयास करता हूं। जब मैं देखो अपना देश कहता हूं तो मैं अपने ही देश में टूरिज्म को बढ़ावा देता हूं। इससे स्थानीय लोगों का रोजगार, स्वरोजगार कैसे बढ़ता है ये हम काशी में अनुभव कर रहे हैं। जब से विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ है तब से करीब करीब 12 करोड़ से अधिक लोग काशी आ चुके हैं। इससे यहां के दुकानदार, ढाबे वाले, रेहड़ी ठेले वाले, रिक्शे वाले, फूल वाले, नाव वाले, सबका रोजगार बढ़ा है। आज तो एक और नई शुरुआत हुई है। आज काशी और अयोध्या के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रिक जहाज की योजना शुरू हुई है। इससे काशी और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव और भी बेहतर होने वाला है। भाइयों और बहनों, दशकों दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। साथियों, गौर परिवारवादियों की यही असलियत होती है।
परिवारवादी युवा हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहे। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सेचुरेशन की गारंटी दे रहा है, तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। इसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र नई बुलंदी पर होगा। बीते 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना। आने वाले 5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। बीते 10 वर्षों में आप देश में देख रहे हैं कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। आज आप चारों तरफ 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़कें देख रहे हैं, रेलवे स्टेशनों को आधुनिक होते देख रहे हैं, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ऐसी तेज और आधुनिक ट्रेनें चलती देख रहे हैं। और यही तो नया भारत है। आने वाले 5 वर्षों में ऐसे विकास कार्यों में और तेजी होने वाली है, देश का कायाकल्प होने वाला है। मोदी ने तो गारंटी दी है कि जिस पूर्वी भारत को विकास से वंचित रखा गया उसको विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाऊंगा। वाराणसी से औरंगाबाद के 6 लेन हाईवे का पहला फेज पूरा हुआ है। आने वाले 5 वर्ष में यह पूरा होगा
तो यूपी और बिहार को बहुत फायदा होगा। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, इससे बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल की दूरी और सिमटने वाली है। भविष्य में बनारस से कोलकाता के सफर का समय करीब करीब आधा होने जा रहा है। साथियों, आने वाले 5 वर्षों में यूपी के काशी के विकास में भी नए आयाम जुड़ेंगे। तब काशी रोप वे जैसे आधुनिक यातायात में सफर करेगी। एयरपोर्ट की क्षमता कई गुना अधिक होगी। काशी यूपी नहीं, देश की भी एक महत्वपूर्ण खेल नगरी बनेगी। आने वाले 5 वर्षों में मेरी काशी मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और गति देगी। आने वाले 5 वर्षों में निवेश और नौकरी, कौशल और रोजगार, इसका हब के रूप में काशी की भूमिका और सशक्त होगी। आने वाले 5 वर्षों में काशी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी परिसर तैयार हो जाएगा। इससे यूपी के नौजवानों के लिए स्किल और रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे। इससे हमारे बुनकर साथियों, हमारे कारीगरों को भी नई टेक्नोलॉजी और नई स्किल देना सरल होगा। साथियों, बीते दशक में काशी को हमने हेल्थ और एजुकेशन के हब के रूप में एक नई पहचान दी है। अब एक नया मेडिकल कॉलेज भी इसमें जुड़ने वाला है। बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग के साथ साथ आज 35 करोड़ रुपए की लागत के कई डायग्नोस्टिक मशीन और उपकरण का भी लोकार्पण किया जा रहा है। इससे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आने वाले मरीजों का वही परिसर में ही डायग्नोसिस करना आसान हो जाएगा। काशी में अस्पतालों से निकल बायो कचरे को निपटाने के लिए नई सुविधा भी जल्द तैयार होने वाली है। साथियों, काशी के, यूपी के, देश के तेज विकास को अब थमने नहीं देना है। हर काशीवासी को अब जुट जाना है। मोदी की गारंटी पर अगर देश और दुनिया को इतना भरोसा है तो इसके पीछे आपका अपनापन और बाबा का आशीर्वाद है। एक बार फिर आप सबको नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपके ऊर्जा से भरे संबोधन के लिए, आपकी मानक उपस्थिति के लिए और श्वेत गंगा की भेंट और विकास कार्यों की भेंट के लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।